CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश। छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम होमी व्यारावाला, भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार। अरे आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है। अरे दलाई लामा, सच में? वाह भाई वाह, मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे। सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ, अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा। ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है। अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? हाँ भाई, मैं भी ऐसा ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है। अरे हाँ, किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना, अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है। मालूम नहीं, ये दिन भी देखना था। चलो चलते, अरे चलो चलो, नजदीक आ गए। आगे आगे, आजाओ आजाओ, चलो। साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी। उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था। 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था। उन दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं। होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया। उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था। आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी। लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है, होमी। ओ होमी। जी माँ, आती हूँ। अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं? क्या बात है माँ? अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं। जी माँ, बिल्कुल। अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम
काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है। अच्छा, तो ये बात है। भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो। बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ, अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी। और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा? अरे मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी? माँ सुनो तो एक बार मेरी बात। मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें? माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो। कुछ नहीं होमी, बस करो। माँ सुनो तो। अरे तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी। घर से अनुमति ना मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही, और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गईं। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली। एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ बैठो। जी जी सर, धन्यवाद। होमी जरा इसे देखो। जी। ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहां देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये? सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है। बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है। जी। देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है, और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है। धन्यवाद सर। फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशा जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे। मानेकशा स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशा ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में
होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था। 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई। होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में, जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों। कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का। वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी। जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था। ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है। होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर
अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया। स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम होमी व्यारावाला, भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559 और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।